जैसे जैसे साल का एंड होता है लोगों में इम्प्रूवमेंट की भावना आती है, लोगों को न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसी चीजें याद आने लगती हैं। मैं यहाँ पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी लुक्स की। बाकी गाइज मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ब्यूटी जो है ना वो लोगों की नजरिए में होती है। तो आपको सबसे पहले अपने मन को साफ करना है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वरना देख लो भाई, ऋतिक रोशन का भी डिवोर्स हो चुका है एंड ऐश्वर्या राय की भी खबरें आ रही है कि डिवोर्स हो जाएगा। मेरा काम है कि मैं ब्यूटी पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ, बट इट डज नॉट मीन कि ये जरूरी है करना। मैं आपको और थोड़ा सिंपली बताता हूँ, आपने टेक्निकल गुरु जी को देखा है, वो मोबाइल फोन की बातें करते हैं, राइट? बट क्या उसका ये मतलब है कि हर बंदे को पूरा दिन सिर्फ मोबाइल के बारे में सोचना चाहिए? मेरा चैनल लुक्स पे है, मैं फेस की ब्यूटी की एस्थेटिक की बात कर रहा हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लुक्स को, ब्यूटी को, एस्थेटिक को अपना जीवन बना लो। मेरी वीडियोस की वजह से आप ये दो कमेंट पढ़ सकते हो, लोगों को डिप्रेशन तक हो जाती है एंड डिप्रेशन इज अ सीरियस इलनेस, और कई लोग तो इसे इलनेस भी नहीं कहते हैं। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो, एंड आई वुड नेवर वॉन्ट कि आप अपने मम्मी पापा के फेवरेट बच्चे आपको डिप्रेशन हो जाए मेरी वीडियो से। तो प्लीज इन कमेंट्स को अगर पढ़कर आपको जरा सा भी डर सा लग रहा है ना, तो ये आगे वीडियो मत देखना, मे बी आपकी मेंटल हेल्थ को मैं कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दूं। तो मैं कह रहा था कि अगर आप अभी से अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने पर फोकस कर दो, तो इमेजिन आप बाकी लोगों से कितना ज्यादा आगे जा सकते हो। आप इस साल को एंड करोगे अपनी प्राइम लुक्स के साथ। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, हियर आर द फाइव थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग राइट नाउ। सबसे पहला है सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। अगर आप अपने फेस पर आज दिन तक कभी सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, स्टार्ट डूइंग इट। आप जो अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाते हो तो आपके फेस पर सन डैमेज नहीं होता, यू ऑल नो दैट। बट उससे स्पेशल बेनिफिट क्या होगा? उससे आपके फेस का जो ऑलरेडी टैन पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। क्योंकि टैन क्यों होता है? जब आपकी स्किन डैमेज होती है, तो जब आप अपनी स्किन को नया डैमेज नहीं होने दोगे तो आपकी स्किन हील भी होती है, और जब स्किन हील होती है तो आपका टैन चला जाता है एंड आपके फेस का ग्लो वापस आ जाता है। तो स्टार्ट यूजिंग अ सनस्क्रीन डेली। आप बाहर निकलने वाले बच्चे हो, प्रोडक्टिव बच्चे हो, दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो सनस्क्रीन का प्रयोग करना शुरू करो आज से, ताकि आपको नेक्स्ट 20, 30, 80 डेज में काफी ट्रांसफॉर्मेशन मिले अपने चेहरे के रंग में, स्पेशली जो टैन की वजह से पड़ता है। एंड सेकंड चीज है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों की स्किन ड्राई होती है, और हमारा मॉइस्चर का जो लॉक है वो टूट चुका होता है, मॉइस्चर का बैरियर जो होता है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा मॉइस्चर का बैरियर बिल्कुल ना टूटे, हमारी स्किन में बिल्कुल भी ड्राइनेस ना आए और एक प्लम्पीनेस आए। तो बाय अ गुड मॉइस्चराइजर एंड अ गुड सनस्क्रीन, और अपने फेस को मॉइस्चराइज करो और सनस्क्रीन के साथ प्रोटेक्ट भी करो। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बेस्ट सनस्क्रीन, बेस्ट मॉइस्चराइजर या बेस्ट डे टू डे प्रोडक्ट्स को लेने में, तो गाइज मैंने ना चैडमैक्स कोर्स में, जो कि कंप्लीट फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने का कोर्स है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आप अपने फेस को, अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, और उसमें मैंने डिटेल में अच्छी सनस्क्रीन, अच्छा मॉइस्चराइजर, अच्छा लिप बाम सब कुछ बताया हुआ है। एंड लिप बाम से याद आया, मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करके रख रहे हो, क्योंकि हम लिप्स को मोर ऑफन देन नॉट इग्नोर कर देते हैं। नंबर सेकंड है, आपको स्टार्ट करना है सनबात करना। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इंडिया के मैक्सिमम बच्चे आज के दिन में विटामिन डी से डेफिशिएंट है, और विटामिन डी की जब कमी होती है आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो आपका मूड खराब हो जाता है और आपको डिप्रेसिंग सिम्टम्स आते हैं। नॉट ओनली दैट, विटामिन डी के कमी होने से आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन भी कम होती है, और जब कैल्शियम कम हो जाती है तो आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी की वजह से आपको दो बड़े मेजर साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होती और दूसरा टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, और ये मेरे साथ हुआ था। तो आप सनबाथ डेली लेना शुरू करो कुछ इस तरह से। देखो मैं डेली ऐसे करके धूप को पीठ दिखाकर बैठता हूँ, और मैंने सनस्क्रीन फेस पर लगाई होती जो कि फर्स्ट पॉइंट में बताया था, तो मेरे सन पर ऐसे ही डैमेज नहीं होता, और साथ में मैं सन को अपना मुंह दिखाता भी नहीं हूँ, मैं अपनी पीठ दिखाता हूँ, और ये मैं कम से कम 30-45 मिनट करता हूँ। अब देखो कई सारे बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होगा जीवन में, और वो भी कमेंट करेंगे कि पढ़ाई तेरा बाप करेगा। नो, मेरे पापा को आप पीछे मत लाओ, आप बस इतनी ट्राई करो कि आपको अगर एक सेकंड में मिलता आप धूप के पीछे बैठ जाओ, आपको आधा मिली सेकंड मिलता उसमें बैठ जाओ, आप बस इन्फॉर्मेशन को ले लो और आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। मैं 40 मिनट बैठता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपने 40 मिनट बैठना है। मैं 30 मिनट बैठता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपने 30 मिनट बैठना है। आपको वो करना है जो आपको सूट करता है, फिर वो 1 सेकंड हो या 1 करोड़ सेकंड हो, इट इज़ योर विश। तो स्टार्ट टेकिंग सनबाथ। नॉट ओनली दैट, अगर हो सके तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले लो, आपको लोकल मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, एंड आप वो कैप्सूल्स को भी कंज्यूम कर सकते हो। नंबर थर्ड है वाटर का इनटेक। हमें दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कहना आसान है, पता भी सबको है, पर लेकिन बहुत सारे बंदे 3 लीटर पानी बिल्कुल भी नहीं पी पाते हैं। मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल ले लो या कोई जग ले लो, कुछ भी ले लो, इट इज़ योर विश। अब उस पर आपने लगानी है 3 रबर बैंड्स, जो नॉर्मल रबर बैंड होते हैं, और जब जब आप पानी पियोगे उतनी बार आप उस रबर बैंड को हटाओगे, विच मीन्स जब आपने एक बार पूरी बोतल भर ली, आपने एक बार ख़त्म कर दी, दोबारा फिल करने जा रहे हो, तब आप वो रबर बैंड हटा देना, तो उसका साफ साइन है आपने 1 लीटर पी लिया।
ऐसे दो, ऐसे तीन, और आप एक ट्रैक में रह सकते हो कि आपने कितना लीटर पानी पिया है, और कोशिश करना कि जब तक दिन खत्म होता है तब तक आप वो तीन रबर बैंड को हटा पाओ। आप वाटर इनटेक को अपने इम्प्रूव करोगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लग पड़ेगी, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से जितनी दिक्कतें हुई थी जैसे कि ये सारी होती हैं, ये सारी फिक्स हो जाएंगी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी लुक्स, आपकी इम्यूनिटी, आप बीमार कितना पड़ते हो, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, पानी फ्री होता है, पानी आपको खर्चे से नहीं लेना है। मेबी मॉइस्चराइजर लगाने के लिए लोग आपको लड़की कह दें, सनस्क्रीन लगाने के लिए लोग आपको गे हिजड़ा कह दें, पानी पीने के लिए आपको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पानी हाथी से लेकर नर से लेकर मादा हर चीज़ पीती है, काला गोरा हर रंग का आदमी और हर तरह का पशु प्राणी पानी को पीता है। तो आप पानी को बेझिझक होकर पी सकते हो, और ये वन ऑफ द क्विकेस्ट लुक्स मैक्सिंग हैक है, क्योंकि मैक्सिमम बंदे डिहाइड्रेटेड होते हैं एंड दे डोंट इवन नो कि वो डिहाइड्रेटेड हैं। तो स्टार्ट ड्रिंकिंग 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। नंबर 4 था वर्कआउट। अगर आप जिम ऑलरेडी जाते हो तो इस पॉइंट को स्किप कर दो। मैं ये पॉइंट उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे हैं या कॉलेज में हैं या मे बी अंकल आंटी हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी जिम जाए ना जाए, अपनी पर्सनल चॉइस, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। अगर आप जिम नहीं जाते हो, व्हाट यू नीड टू डू इज, आप जिम मत जाओ पर आप नॉर्मल पुशअप एंड पुलअप कर लो। देखो आप ये वीडियो, मैंने अपने घर पे ही ना पुलअप बार लगाई है। तो अब अगर आप गरीब हो और आप कमेंट करने वाले हो कि पुलअप बार के पैसे तेरा बाप देगा, नहीं नहीं, मेरे पापा को आप बीच में मत लाओ, आप कोई पेड़ ढूंढ लो, पेड़ पे लटक जाओ, उस पर भी आप पुलअप मार सकते हो, इनफैक्ट आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी। पुशअप आप सबको पता होगा कि कैसे करते हैं, इतनी काबिलियत डेवलप कर लेना नेक्स्ट 90 डेज में, 100 डेज में, कि आप 15 पुशअप मार पाओ या 10 पुशअप मार पाओ। कि अगर आप ये मार पाओगे तो आपकी आर्म्स में बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। अब देखो स्ट्रेंथ की ना दो डेफिनेशन होती है, एक होती है बेसिक स्ट्रेंथ जो कि सबके होनी चाहिए, मतलब उसमें आता है आप अपना बैग उठा पाओ, घर की पानी की बाल्टी उठा पाओ, सिलेंडर उठा पाओ, और फिर आती है एक एक्सट्रीम केस ऑफ स्ट्रेंथ जो कि पावर लिफ्टर्स के पास होती है। उतनी स्ट्रेंथ की आपको जरूरत नहीं है मेरे ओपिनियन, मेरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई, मेरा ओपिनियन पत्थर की लकीर भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना जोर तो होना चाहिए कि आप बाल्टी उठा पाओ, थोड़ा सा सिलेंडर उठा पाओ, फ्रिज को इधर उधर कर पाओ, बेड को धक्का धुक्का दे पाओ, पैड़ियाँ चढ़ पाओ बैग लेकर। एंड लास्ट में एक और कंपलसरी चीज़ है, वो है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स क्या होती हैं, उठक बैठक। तो कोशिश करो आप दिन की 10 स्क्वाट भी मार लो और इजीली मार लो बिना थके। अगर आप नहीं मार पा रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब अलग तरह के बंदे हैं, अलग तरह का जोर है, ये मेरा बस ओपिनियन है कि आप 10 तक पहुंच जाना, ट्राई करना पहुंचने की, उससे आपको कभी ना लातों की, आपके एस के जो मसल होते हैं ग्लूट्स, उनमें कभी दिक्कत नहीं होगी, विच अगेन मीन्स कि आप लंगड़े जल्दी नहीं होंगे, आपके घुटने जल्दी खराब नहीं होंगे। और अगर आप स्टूडेंट हो बैठे रहते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जितने भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं जिनको जीवन में कुछ बड़ा बनना है, आप सब कोशिश करो कि आप बड़े तो बनो ही बट चल भी पाओ फ्यूचर में, तो उसके लिए आप स्क्वाट्स भी मारते रहना। एंड लास्ट पॉइंट है नंबर 5th, आपको अपने कोर्टिजोल को कंट्रोल में करके रखना है न्यू ईयर तक। हम सब बंदों का कोर्टिजोल हाई होता है, और स्ट्रेस का मुझे पता नहीं था कितना लंबा और कितना गंदा इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपको ज़्यादा समय तक रहे, बट अब मुझे पता लग गया क्योंकि मेरी फेस की कंडीशन यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी, मैंने कई बार बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें इंक्लूड कर लेना इस साल के एंड होने तक, एंड आप काफ़ी ज़्यादा अपने स्ट्रेस को कम करोगे, जिसकी वजह से आपकी लुक्स, आपका मसल मास, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपके फेस की वाइब्रेंसी, आपके बालों की शाइन, आपके में भी सफ़ेद बाल, ये सब कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस या कोर्टिजोल हार्मोन की वजह से ये सारे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो कि आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए स्टार्ट करनी है, वो है मेडिटेशन। तो डेली कम से कम 3-4 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन के लिए आप बस मेडिटेशन पोजिशन में बैठ जाओ, एंड उसके बाद अपनी सांस पर फोकस करो, पूरा फोकस सांस पर डालना, अपनी उस सांस को फील करना, कैसे यहाँ पर हवा छू रही है, कैसे जा रही है, वो हवा की क्या आवाज़ क्रिएट हो रही है, जिससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपका फोकस कहीं और भटक रहा है, और आप इससे अपने दिमाग को शांत करोगे। नंबर 2nd चीज़ है, आप डेली अपने पेट्स के साथ खेलना। पेट्स जैसे कि मेरे पास मैक्सी है, ये प्यारी डॉगी, तो अगर आप इस तरह के डॉगी, बिल्ली, गाय, किसी भी पेट के पास या किसी भी जानवर के फर को टच करते हो तो उससे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा पीस रिलीज होती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आप फ्यूचर पास्ट को छोड़ देते हो। अब अगर आपके पास कुत्ता नहीं है या पेट नहीं है और आप कमेंट करने वाले हो पेट तेरा बाप देगा, प्लीज़ मेरे बाप को मत इंक्लूड करो, मेरे पापा की कोई गलती नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोशिश करो, है ना, कोई दोस्त देख लो या कुछ देख लो, या पेट आपके उसमें भी नहीं है मान लिया, तो आप मेडिटेशन ज़्यादा कर सकते हो, आपसे जो पॉसिबल है प्लीज़ आप वो करो। हेट में किसी का कुछ नहीं रखा, हम सब थोड़ा सा जीवन जीना, हेट करके क्या फ़ायदा है ना। एंड लास्ट चीज़ है स्लीप। अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं लोगे, आपका कोर्टिसोल लिख कर ले लो हाई रहने वाला है, तो यू नीड टू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर स्लीप। स्लीप वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स होता है आपकी स्ट्रेस हार्मोन को इम्प्रूव करने के लिए। स्लीप को फिक्स करने के लिए क्विक सी 2-3 टिप्स दे रहा हूँ। पहली है कॉफ़ी को ना
दोपहर से पहले पी लेना। जब सोते हो तो पूरा अंधेरा करना कमरे में, तो आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे डालकर सो सकते हो। तो आप क्या करो, रात को 7-7:30 बजे ही अपने फोन में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर को ऑन कर दो, जिससे आपकी आंखों पर वो ब्लू लाइट वाला इफेक्ट नहीं पड़ता है और आपका दिमाग जागा नहीं रहता है, कंफ्यूज नहीं होता है। अगर आप कमेंट करने वाले हो कि मुझे मेरा अलग कमरा तेरा बाप देगा, तो प्लीज मेरे पापा को बीच में मत लाओ। अगर आपके पास अलग कमरा नहीं है, आप पूरी फैमिली एक कमरे में सोती हो, तो क्या कर सकते हैं भाई, आज नहीं तो कल आप पैसा कमाओगे, अपना कमरा बनाओगे, मुझे आप में यकीन है। इनसिक्योर होने की तो कोई बात नहीं है ना, हम सब इक्वल हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी आई तो बढ़ेगा कोर्टिसोल, जिससे फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के, तो लॉस आपका ही हो जाएगा। तो इनसिक्योर होने के बजाय सॉल्यूशंस की तरफ फोकस। बाकी मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप आज नहीं तो कल पैसे कमाकर अपने लुक्स को इम्प्रूव कर पाओगे। और हमेशा याद रखना, हार्डवर्क लुक्स से ज़्यादा मैटर करता है, तो फोकस ऑन योर हार्डवर्क। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने पर फोकस करो, ना कि लोगों को मोक करने पर। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टू स्वीट, डोंट बी इनसिक्योर।